जाते हैं। आपको पानी अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है तो क्या मतलब इसका, इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के झंझारपुर पहुंचे थे, जहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के बयान दिए, उन पर जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार और लालू यादव की तुलना तेल और पानी वाले मिश्रण से कर दी और ये कहा कि ये ऐसा बेमेल गठबंधन है जिसमें दोनों कभी मिल नहीं सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पटना के बख्तियारपुर में जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ अंडबंड बोलते रहते हैं, इन लोगों की बात का वो नोटिस नहीं लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी अपने बयान में कहा कि इन लोगों को ना बिहार की जानकारी है और ना ही देश की जानकारी है, सभी लोग परेशान है क्योंकि वो सभी को एकजुट यानी कि इंडिया को यूनाइट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार सुनवा सर। अमित शाह सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब कोई ज्ञान है बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है, कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? तीनों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी अंड बंड बोलना तो ऐसे ही बोलना है तो क्या मतलब इसका, इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है। पत्रकारों के एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर आप ये हमको नहीं पता, हम तो यही देखेंगे पता है क्या, हम कहे के लिए पत्रकार के हम पक्ष में। देखिए जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा, विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए, स्थानीय ये सब उनको अधिकार है उनको कुछ भी करने का, हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब तक किए हुए इधर उधर कर रहा है, आप लोगों को नहीं पता है? हम तो बराबर ही बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा, अब बाद में तो आपको कहेगा नहीं मत लिख, कोई ये सब क्या कीजिएगा, आजकल तो यही स्थिति हो गई है। हम लोग के साथ जो लोग लोग हैं जी जी, उन लोग को लगा होगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है, एक निवेदन। हालांकि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब आजाद पूरे के तौर पर आजादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगेगा लिखेगा, सबको अपना अधिकार है। सर एक स्थानीय पत्रकारों का निवेदन है, वो जो बांग्ला बनवाए हैं ना निरीक्षण भवन, उसमें एक रूम हम लोग के लिए अलॉट कर दीजिए प्रेस वालों के लिए, ताकि शाम को बैठा जा सके, लिखा जा सके। डीएम साहब, डीएम साहब आगे हैं, आगे सर। सर दो चीज़ बोल रहे हैं कि आप और लालू जी का जो अलायंस बना है वो आप सर वो अपना देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, अमित शाह बोल रहे हैं तेल पानी की बात नहीं देते, हमको कोई लेना देना नहीं। आपको पानी लालू जी को तेल बोल रहे थे, अरे इन लोग को रहने बता रहे सर। वो जो निरीक्षण भवन बना है नया उसमें कम से कम एक रूम प्रेस वालों के लिए हम लोग के लिए अलॉट कर दिए सर, मीडिया के लिए। पत्रकार लोग चाहता है उसको भी वहाँ रहने का बैठक इंतजाम कर दीजिए, ठीक हो जाए।